नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। हल्द्वानी से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल रोड पर एक शोरूम में भीषण आग लगी है जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के टेढ़ी पुलिया के पास ब्लैकबेरी के शोरूम में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। शोरूम में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयंकर ये आग लगी है, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को बहुत मुश्किल हुई है। आपको बता दें, ये घटना दोपहर 1:30 बजे की है। शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते एक चिंगारी से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरे शोरूम को खाक कर दिया। इस आग ने करोड़ों का नुकसान किया है। आग लगती देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही लगभग 4 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। शोरूम के स्वामी अजय अग्रवाल ने बताया कि लगभग 1 करोड़ का नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ। इस आग लगने से आसपास की दुकानों पर भी आग लगने का खतरा मंडरा रहा था, तो इस पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग सड़क पर मौजूद इस घटना को देखते रहे। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया है। तो 1:30 बजे लगे एक शॉर्ट सर्किट ने पूरी दुकान को खाक कर दिया है। हल्द्वानी के टेढ़ी पुलिया पर स्थित ब्लैकबेरी का शोरूम एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा खाक हो चुका है। इस आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत भरी बात यह है, इस आग लगने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये आग कितनी भयानक लगी थी। आग लगने से मौके पर तफरी मच गई है। आप देख सकते हैं काला धुआं जिस तरह से उठ रहा हुआ है। तो इस आग ने पूरी दुकान को खाक कर दिया है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट ने बड़े से शोरूम को पल भर में खाक कर दिया। तो आप देख सकते हैं मौके पर लोग किस तरह इस अभी जो घटनास्थल पर मौजूद हैं, किस तरह लोग को देख रहे थे। इस आग ने मौके पर जो माहौल बहुत खतरनाक बना दिया था, आग जो आसपास की दुकानें थी उन पर भी आग का खतरा मंडरा रहा था। तो हर किसी की जो हर कोई उस वक्त डर का माहौल था, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया हुआ है। तो सड़क से उस वक्त जो भी गुजर रहा था वो बस इसको देखकर रुक चुका था। ये आग बहुत खतरनाक थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक शॉर्ट सर्किट ने कैसे ब्लैकबेरी के शोरूम को पूरी तरह से खाक कर दिया। तो दिन में 1:30 बजे की यह घटना है, जब ब्लैकबेरी के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट ने बड़ी सी आग का विकराल रूप ले लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह उठ रही हैं, किस तरह हवा में काला धुआं दिख रहा है। तो मौके पर जो लोग मौजूद थे वो बस एक जगह खड़े होकर इस हादसे को देख रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची। बमुश्किल इस आग को बुझाया गया है, लेकिन तब तक पूरा का पूरा जो शोरूम है वो पूरी तरह से खाक हो चुका था। करोड़ों का नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ। आप देख सकते हैं आग के बाद का जो नजारा है वो कैसा है। पूरी दुकान पूरी खाक हो चुकी है। दुकान में कुछ भी नहीं बचा है, उठ रहा है तो सिर्फ धुआं। ये पूरा ब्लैकबेरी का जो शोरूम है सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी तरह से खाक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में पास ही में एक ट्रांसफार्मर भी है। इस वजह से लोगों में और भी डर का माहौल था कि अगर हालात बिगड़े तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। आसपास बहुत सी दुकानें हैं। तो आप देख सकते हैं जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त बहुत खतरनाक माहौल था।